तो सबसे पहले भी हम इसमें बनाना सीखते हैं कि कोई भी किस्म की एंट्री जो हमारी इनकम सेल और परचेज से रिलेटेड हो रही होती है उसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके लिए पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, इसको हम अकाउंट्स लेजर भी कह सकते हैं, अकाउंट्स भी कह सकते हैं, जो हम इसको नाम देना चाहें। तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे एक फील्ड लेंगे सीरियल नंबर की, दूसरी फील्ड लेंगे डेट की, तीसरी लेंगे डिस्क्रिप्शन की, और चौथी लेंगे डेबिट की, पांचवी लेंगे क्रेडिट की, और छठी लेंगे हम इसके अंदर बैलेंस की फील्ड लेंगे। ठीक है, अब इस फील्ड का इस शीट का क्या फ़ायदा है? इस शीट का फ़ायदा ये है कि हम इसको पहले यहाँ से सेलेक्ट करके पहले फॉर्मेट दे देते हैं, मार्जिन सेंटर कर देते हैं, इनको सेलेक्ट करके यहाँ से फॉर्मेट पे जाके कॉलम विड्थ पे क्लिक करते हैं, यहाँ से हम इसको 16 की विड्थ रख के और इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 22 पे कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका सीरियल नंबर थोड़ा छोटा कर देते हैं, इनको सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, और सेलेक्ट करके सेल स्टाइल्स में जाके हेडिंग वन में कन्वर्ट करके लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सेंटर कर लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से इसको इस तरीके से कर लेते हैं, सेलेक्ट करके सेल स्टाइल्स में जाके टाइटल में कन्वर्ट करें, बोल्ड कर दें, यहाँ से इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ा दें, यहाँ से देखें टॉप बॉटम सेंटर कर दें, इसको सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर्स एंड थिक बॉक्स बॉर्डर कर दें, और यहाँ से ये इसके ऊपर अप्लाई हो गया। डेट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से डेट और डिस्क्रिप्शन को आप थोड़ा सा बढ़ा दें ताकि ये इस तरह से नज़र आए। अब यहाँ पर कितनी एंट्रीज आपको चाहिए, पहले एक आइडियली हम 100 एंट्रीज कर लेते हैं, तो यहाँ 1 लिख के मैंने सीरीज पे क्लिक कर लिया, कॉलम पर क्लिक कर लिया, और यहाँ पे 100 की एंट्री करके ये नंबर जनरेट कर दिया। इसी तरह मैंने इसको सेलेक्ट करना है, एक शॉर्ट की बता रहा हूँ, यहाँ पर मैंने सेल पॉइंटर रखा हुआ है, शिफ्ट का बटन दबाया, डाउन एरो दबाया तो ये नीचे आया, ठीक है, शिफ्ट का बटन दबाया, एंड का बटन दबाया, डाउन का बटन दबाया, तो ये देखें जितने नंबर थे सबको सेलेक्ट कर लेगा। फिर कंटिन्यू करें शिफ्ट का बटन दबा के इसको आगे की तरफ जितने कॉलम से उनको सेलेक्ट कर लें ताकि वो एरिया सारा सेलेक्ट हो जाए। उसके बाद इसको भी ऑल बॉर्डर एंड थिक बॉक्स बॉर्डर कर देंगे और इसको यहाँ से कर लेते हैं, फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं, 14 पर रख लेते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, इन तीनों को हम अभी नोट करते हैं कि इसमें हम किस तरह की एंट्री कर सकते हैं। देखेंगे एक ऐसा शीट है जिसको आप हर तरह के कारोबार में इस्तेमाल कर सकते हैं, हर तरह की लेन देन के मामले आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर हम इसको शुरू कैसे करेंगे, जैसे आज की तारीख से शुरू कर रहे हैं, तो आज की तारीख में हमारे पास जो स्टार्ट किया, आज की डेट डालने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम डेट खुद टाइप करें, मतलब हम लिखें तारीख महीना साल, तो तारीख महीना साल, और दूसरा तरीका है कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन, कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन, वो आज की डेट आपको खुद ही दे देगा, ठीक है, जो आपके सिस्टम में सेट होगी। ठीक है, तो वो आपको खुद ही दे देगा, और जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने लिखा सपोज्ड टू बी ओपनिंग बैलेंस, मतलब जब हमने काम शुरू किया तो हमारा बैलेंस क्या था। अब ओपनिंग बैलेंस लिखने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है डेबिट का और एक है क्रेडिट का। डेबिट और क्रेडिट के ऑप्शन को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए सिर्फ इतना सा समझ लें, जब आपको पैसे मिल रहे हैं आप उसको डेबिट कर देंगे, और जब आपके पास से पैसे जा रहे हैं तो आप उसको क्रेडिट कर देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप डेबिट कर रहे हैं, आपके पास अभी कितने पैसे थे, आपके पास 1 रुपया था या पैसे नहीं थे तो 0 कर दें, था तो वो 1 रुपया लिख दें। सपोज आपका 1000 रुपये का बैलेंस था, ये आपके पास था ना, तो इसको आपने डेबिट में लिख दिया। अब आप आगे चले, इसके बाद क्या हुआ, हम मिसाल ले लेते हैं, आप एक शॉप पर हैं या आपका कोई बिजनेस है या आपका जो भी मामला थे जो आप इसमें रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, तो एक शॉप की मिसाल ले लेते हैं। फिर देन आफ्टर, फिर जो है हमारे पास कोई हमने आइटम सेल किया जिसकी मदद से हमें पैसे मिले, तो हमने सपोज टू बी उस आइटम का नाम लिख लेते हैं, जैसे कंप्यूटर सोल्ड, तो कितने का बिका, 5000 रुपये का बिका, तो 5000 रुपये मुझे मिले तो मैंने उसको अपने डेबिट वाले सेक्शन में लिखना है। ठीक है, इसी तरीके से फिर मैंने जो है, अच्छा मैंने किसी को पैसे दिए हुए थे उससे पैसे मुझे मिले, सपोज टू बी कैश रिसीव्ड फ्रॉम फीस, और दे दिए 10000 रुपये उसने मुझे दी, तो वो भी मैंने किस में लिखना है, डेबिट सेक्शन में लिखना है। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल एक और आज की एंट्री होगी, कौन सा उसकी एक और एंट्री हो गई, जिसमें अब क्या हुआ कि मैंने किसी को पैसे दिए, मतलब मैंने किसी से सामान लिया था और मैंने उसको पैसे दिए, तो मैंने क्या खरीदा, परचेज कीबोर्ड फ्रॉम सपोज टू बी मिस्टर ए, तो मैंने कितने पैसे दिए, 10000 रुपये की कीबोर्ड खरीदे या 8000 रुपये की खरीदे, जितना खर्चा किया वो जाके मैं कहाँ लिखूंगा, यहाँ पे मैंने 4000 रुपये के कीबोर्ड खरीद लिए, तो पैसे मेरे पास से चले गए, तो मैं यहाँ एंट्री करूंगा। इसी तरह आज की तारीख में और एक और ट्रांजेक्शन हुई, आज का मेरा लाइट का बिल भी आया हुआ था, तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी के बिल को पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड,
तो यहाँ पे आज कितने का बिल था मेरा, 4,500 रुपये का बिल था, तो वो 4,500 की ठीक, क्योंकि पैसे मेरे से गए तो मैं यहाँ करूँगा। तो इस तरह से जो भी एक्सपेंसेस होते जाएंगे, जैसे मैंने आज का लंच किया तो लंच के मैंने लिख दिया कि आज के खर्चे में कितने हुए, 400 रुपये का लंच कर लिया, तो वो मैंने यहाँ पे भी एंट्री इस तरह करनी है। कोई मेहमान आ गए, उसकी ट्रीटमेंट थी तो हमने लिख दिया गेस्ट, और हमने लिख दिया उनके लिए हमने 200 रुपीज़ का कोई सामान मंगाया और उनको किया। तो जो खर्चे होते जाएंगे वो कहाँ लिखते जाएंगे, क्रेडिट सेक्शन में लिखते जाएंगे, और जो हमारे पैसे मिलेंगे, सामान बेच रहे हैं कोई पैसे दे के जा रहा है, वो हम लिखेंगे डेबिट सेक्शन में। तो ये शीट एक बेहतरीन है किसी भी बिजनेस के लिए। देखिए हर हर ट्रांजेक्शन, इसको कहेंगे ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन की आपके पास एक एंट्री बन रही है, उसकी डेट आ रही है, उसकी तफसील आ रही है। तफसील आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आपने उर्दू भी सीखी है, सिंधी भी सीखी है, सिंधी में भी लिख सकते हैं, और रोमन में भी आप इसके अंदर टाइप कर सकते हैं। और आपकी हर एंट्री के बिहाफ पर आप उसके आगे अमाउंट लिखते जा रहे हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि जब पैसे मिल रहे हैं तो डेबिट पे लिखेंगे, और जब पैसे खर्च हो रहे हैं तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट पे लिखेंगे। तो ये एक अकाउंट लेजर जिसको हम कह रहे होते हैं खाते के हवाले से, या डेली रोजमर्रा के जो हम एंट्रीज कर रहे होते हैं अपने बिजनेस में बैठ के, जो हम किताबों में भी लिख रहे होते हैं, वाई नॉट कि हम एक्सेल सीखें तो इसके अंदर लिखें, ताकि हमारा हिसाब होता रहे। सेकंड में फिर हम देखेंगे जब फार्मूला लगाएंगे तो ये शीट हमें बैलेंस भी बताएगी। जब हम फार्मूलाज के चैप्टर को करेंगे तो फिर ये हमें बैलेंस भी बताएगी। तो अभी आपके लिए ये है कि किसी भी एंट्री को रिकॉर्ड करना है, चाहे आपके घर के एक्सपेंसेस हैं, चाहे आपके शॉप के एक्सपेंसेस हैं, चाहे आप कोई कारोबार करते हैं उसके एक्सपेंसेस हैं, उनको आप इसमें ईजिली लिख सकते हैं। ये एक प्रॉपर उसकी शीट है।